क्या अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे शिवपाल यादव? राजभर और योगी ने इशारों में शिवपाल से क्या कहा? शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने पर क्यों हो रही है तेज बयानबाजी? हम बताएंगे आपको पूरी बात, आखिरकार क्या है राजभर और शिवपाल यादव के जज्बात। क्या सपा के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव का साथ चाचा शिवपाल छोड़ देंगे? क्या अब सपा का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या अब सपा की शक्ति शिवपाल यादव बीजेपी की शक्ति बन जाएंगे? ये सब हम नहीं बल्कि भारत की राजनीति में हो रही बयानबाजी कह रही है। हम आपको पूरी खबर बहुत एहतियात से बताएंगे कि आखिरकार ये सभी प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल हाल फिलहाल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर बड़ा दावा कर सभी को चौंका दिया है, जिसमें राजभर ने कहा है कि शिवपाल यादव जल्द बीजेपी ज्वाइन करेंगे। महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी विपक्ष टूटेगा। ज्ञात रहे ये वही राजभर हैं जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में साल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन अब राजभर एनडीए में वापस चले गए हैं और घोसी में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान का प्रचार कर बीजेपी की शक्ति बढ़ा रहे हैं। जिन शिवपाल को लेकर राजभर बीजेपी में शामिल हो जाने की बात कह रहे हैं, उन्होंने बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके जैसे नेता चुनाव जीतकर दलाली करते हैं। उत्तर प्रदेश के महू जिले में घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता चुनाव जीतकर दलाली करते हैं। सम्मानित राजभर समाज के लोगों से तो हम कहेंगे कि जो यहां से चुनकर जाते हैं वे यहां पर दलाली करते हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब शिवपाल और राजभर के बीच लड़ाई एक नए मोड़ पर आ गई है। शिवपाल को लेकर राजनीतिक सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपनी बेबाकी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा करते हुए ये भी कह दिया था कि वो जब चाहे सीएम योगी से फोन पर बात कर सकते हैं। ऐसे में सुबह सुबह प्रमुख ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए उनके बीजेपी में शामिल होने की बात कहे जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जो सपा पार्टी खासकर अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। शिवपाल यादव को लेकर अभी हाल ही में मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा था कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने शिवपाल यादव को कहा कि अभी समय है, बर्बाद मत करो, इधर आ जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ऐसे में शिवपाल यादव ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि जल्द आ जाऊंगा। इस बात को लेकर उन्होंने स्वीकार भी किया। आगे ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना में हुए विघटन की ही तरह घटना उत्तर प्रदेश में दोहराए जाने की बात कही, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म होती नजर आ रही है। खैर, आने वाले दिनों में शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन राजभर के बयान ने अभी हाल फिलहाल में सपा की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। वैसे राजभर के शिवपाल वाले बयान पर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।